आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सारी तैयारी करने के बाद मैंने करण को कॉल किया, तो करण के कॉल रिसीव करते ही मैंने उससे कहा, भाई मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है, बस तू लेट मत करना और समय पर कल दोपहर के 2 बजे तक मेरे घर आ जाना। मेरे इतना बोलते ही करण ने कहा, नहीं नहीं मैं कल लेट नहीं करूंगा। जिसके बाद मैंने कॉल कट कर दिया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। मगर मैं कल के लिए इतना एक्साइटेड था कि मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। दरअसल कल मैं और करण मेरे कार से अपने काफ़ी पुराने दोस्त कपिल के पास जाने वाले हैं, और हमने ये बात कपिल को बताई भी नहीं है क्योंकि इस बार हम कपिल को सरप्राइज देने वाले हैं। असल में कपिल कुछ साल पहले हमारे साथ इसी शहर में रहता था, मगर उसकी नौकरी दूसरे शहर में लगने के कारण उसे वहां जाना ही पड़ा। नौकरी लगने के बाद कपिल 2-3 बार हमसे मिलने यहां आया था, लेकिन हम एक बार भी उससे मिलने वहां नहीं गए, जिस वजह से मैंने और करण ने तय किया कि हम उससे मिलने वहां जाएंगे। खैर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो वक्त हो रहा था सुबह के 9 बजे का, तो मैं झटपट से बिस्तर पर से उठा और निकलने की तैयारी करने लगा। हालांकि मौसम बरसात का था, जिस कारण काले काले बादलों ने सुबह से ही आसमान को ढक रखा था, और तो और हमारे कार ले जाने की एक वजह बारिश भी थी। खैर सारी तैयारी कर लेने के बाद ठीक दोपहर के 2 बजे करण मेरे घर आ गया, जिसके बाद मैंने अपना कार निकाला और हम दोनों कपिल के घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे यहाँ से कपिल का घर तकरीबन 400 किलोमीटर था, तो हमें वहाँ पहुँचने में करीबन 6 घंटों का समय लगेगा। बरसात का मौसम होने के कारण रास्ता पूरी तरह से गीला हो चुका था, जिस वजह से मैं कार को काफ़ी धीरे चला रहा था। खैर करीब 3 घंटा कार चलाने के बाद हमने आधा सफ़र तय कर लिया, मगर और आधा सफ़र तय करने के लिए हमने कार को जैसे ही आगे बढ़ाया वैसे ही काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई, वो भी गरजते बादलों के साथ। काले काले बादलों ने आसमान को इस तरह से घेर रखा था कि शाम के 5 बजे ही अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। तेज झमझमाती बारिश और ऊपर से ये माहौल, ऐसा लग रहा था कि हमें आगे जाने से मना कर रही हो। खैर हमें कहाँ पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। करीब 2 घंटा और कार चलाने के बाद हम एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। तब वक्त हो रहा था रात के 7:30 बजे का, लेकिन बारिश की वजह से 7:30 बजे ही उस रास्ते पर हमें दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, और ना ही उस रास्ते पर कोई घर था और ना ही कोई दुकान। बस जहां तक नज़र जा रही थी वहां तक हमें रास्ते के दोनों किनारे घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। इस पर मैंने करण से कहा, करण ये रास्ता कितना वीरान है ना। इस पर करण ने जवाब दिया, क्यों तुझे डर लग रहा है क्या। करण की ये बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए करण से कहा, डर वो भी मुझे, क्या बोल रहा है तू, मुझे डर वर नहीं लगता। इतना बोलकर मैंने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमारी हेडलाइट की रोशनी अंधेरे के आगे कम पड़ रही थी। सन्नाटा चारों तरफ इतना छाया हुआ था कि उस सन्नाटे को हम अपनी कार के अंदर बैठकर ही महसूस कर पा रहे थे। खैर अभी हम उस घने अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र रास्ते के आगे टूटे हुए पुल पर गई। उस टूटे हुए पुल को देखकर
मैंने ब्रेक दबाकर एकदम से अपनी कार रोक ली। तो मेरे कार रोकते ही करण ने कहा, यार तूने कार क्यों रोक दी? करण के ये पूछने पर मैंने जवाब दिया, दिखाई नहीं दे रहा, आगे पुल टूटा हुआ है। इस पर करण ने जब आगे देखा तो वो एकदम से हक्का बक्का रह गया और बोला, लगता है काफी तेज बारिश की वजह से पुल टूट गई है। और अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे जाएं तो जाएं कैसे। हमें आसपास दूसरा कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था और बारिश भी काफी तेजी से बरस रही थी। हम फंस चुके थे। हमें अब समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। अभी हम कार के बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि तभी मुझे लुकिंग ग्लास में पीछे की ओर से एक आदमी चलकर आता हुआ दिखा। तो उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ कि हम इस आदमी से दूसरा रास्ता पूछकर चले जाएंगे। और देखते ही देखते वो आदमी चलकर मेरी कार के थोड़ा करीब आया तो मैंने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, भाई साहब जरा सुनिए। तो मेरे इतना बोलते ही वो आदमी चलकर मेरे पास वाली खिड़की के पास आया। तो उसके आते ही मैंने कहा, भाई साहब आगे तो पुल टूटा हुआ है, तो कोई दूसरा रास्ता है यहाँ से आगे जाने का? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, एक रास्ता है साहब, मगर वो रास्ता कहाँ है मुझे पता नहीं, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी जिधर से आया था उधर ही जाने लगा। इस पर मैंने करण से कहा, आज रात हमें यहीं पर कार में ही रुकना होगा। खैर हमारे पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, तो हम कर भी क्या सकते थे। हमने कार को रास्ते के किनारे खड़ा किया और कार की सारी खिड़कियां बंद करके कार की सीट पर लेट गए। अब काफी रात हो चुकी थी जिस कारण सारा माहौल वीरान सा हो गया था। काफी लंबा सफर तय करने के कारण सीट पर लेटते ही नींद ने कब हमें अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो पाया कि हमारी कार के ऊपर चढ़कर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। मगर अचानक इतने सारे बच्चे इस जंगली रास्ते पर आए तो आए कैसे। मगर साथ ही साथ मुझे एक और बात हैरान करने वाली लगी कि उन बच्चों पर इतनी तेज बारिश का भी कोई असर नहीं हो रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी तेज बारिश में वो बच्चे भींग क्यों नहीं रहे। अभी मैं उन बच्चों को देखकर हैरान ही था कि तभी मेरी तरफ वाली खिड़की पर किसी ने बाहर से दस्तक दी। तो उस दस्तक की आवाज को सुनकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें खिड़की की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा, क्योंकि खिड़की के बाहर एक आधा कटा हुआ आदमी हवा में उड़ रहा था और उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और साथ ही साथ यहाँ सभी बच्चे भी भूत हैं। और अब हम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वहाँ इतने सारे भूतों को देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा, जिसके बाद मैंने करण को जगाया तो करण भी इतने सारे भूतों को देखकर जोर जोर से कांपने लगा। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। मगर अच्छी बात तो ये थी कि हम कार के अंदर थे, जिस वजह से वो सारे भूत हमें कुछ कर नहीं पा रहे थे। हमने इसी मौके का फायदा उठाया और कार स्टार्ट करके वापस लौट गए, जिसके बाद हमने कार को वहीं रोका जहां हमें दो चार लोग दिखे। उन सभी लोगों को पूरी बात बताने पर पता चला कि वो रास्ता भूतिया है। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैंने राहुल को अपने गांव घुमाने का
वादा किया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। लिहाजा छुट्टी अनाउंस होते ही हम दोनों अपना अपना सामान समेटने लगे। हॉस्टल से मेरा गांव थोड़ा दूर जरूर था, मगर वहां पहुंचने के लिए साधनों की कोई कमी नहीं थी। बस, ट्रेन, सब कुछ यहां से मेरे गांव जाती थी, मगर बस से जाना ज्यादा आसान होता, क्योंकि गांव के बस स्टॉप से मेरा घर रेलवे स्टेशन के मुकाबले ज्यादा नज़दीक पड़ता है। तो हमने ये पक्का किया कि हम बस से ही जाएंगे और आज शाम ही निकलेंगे। शाम के वक्त निकलने के दो कारण थे। पहला ये कि दिन के वक्त बस में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और दूसरा ये कि दिन में गर्मी बहुत लगती है। सारी तैयारी हो जाने के बाद शाम के तकरीबन 5:30 बजे तक हम लोग हॉस्टल से निकल गए। मेरे गांव जाने वाली बस हॉस्टल के बाहर से ही मिलती है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमें बस वहां खड़े रहकर बस के आने का इंतज़ार करना था। कुछ ही देर में हमारी बस भी आ गई। हम दोनों बस में चढ़ें और एक एक सीट पकड़कर बैठ गए। शाम का वक्त होने की वजह से उतनी गर्मी नहीं लग रही थी। अंधेरा भी लगभग हो ही चुका था। मेरा गांव थोड़ा दूर था, तो यकीनन वहां पहुंचते हमें रात हो जाएगी। बस पूरी रफ्तार से रास्ते पर दौड़े जा रही थी। कुछ ही देर में बस मेरे गांव के बस स्टॉप पर रुकी। मैं और राहुल जब हम दोनों बस से उतरे, तब घड़ी में 9:45 बज रहे थे। हालांकि मैं काफ़ी सालों के बाद अपने गांव आया था, मगर फिर भी मुझे रास्ता घाट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला। वही खाली रोड, जंगल और अंधेरा। अभी मैं और राहुल चारों तरफ देख ही रहे थे, तभी राहुल मुझसे बोला, यार यहाँ से अब तेरे घर कैसे जाना है? इस पर मैं बोला, यहाँ से पैदल, और क्या, ज़्यादा दूर नहीं है गांव। लिहाजा मैं और राहुल हम दोनों गांव की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल थोड़ा डर रहा था, जिस पर मैंने राहुल से पूछा, क्या हुआ राहुल, डर क्यों रहा है तू? इस पर राहुल बोला, नहीं डर नहीं रहा, पर ये रास्ता इतना डरावना क्यों लग रहा है? इस पर मैंने बोला, गांव में सब ऐसा ही होता है, डर मत, मैं हूं ना। मगर सच में वो रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। खैर, अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी अचानक ही चारों तरफ रोशनी हो गई। सिर उठाकर आसमान की ओर देखा तो बिजलियां चमक रही थीं, पर थोड़ी देर पहले तक तो मौसम बिल्कुल सही था, तो फिर अचानक से ये क्या हो गया? ऊपर से अभी हम जिस रास्ते पर थे उस पर चलते चलते अगर बारिश आ गई तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते पर दूर दूर तक एक भी घर या दुकान नहीं था। मैं यही मना रहा था, बस बारिश में भींगने से पहले हम घर पहुंच जाएं। लेकिन शायद हमारी फूटी किस्मत को ये गवारा नहीं था। थोड़ी ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। मैं और राहुल बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। मौसम ने जितनी जल्दी अपना रंग बदला था, उतनी जल्दी शायद गिरगिट भी नहीं बदलता। काले घने बादलों ने आसमान को ऐसे जकड़ लिया था जैसे बारिश कभी बंद ही नहीं होगी। तूफानी हवाओं में हिलते पेड़ और रह रहकर गरजते बादल माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। जिस पेड़ के नीचे हम खड़े थे कुछ देर तक तो उस पेड़ ने हमें भींगने से बचाए रखा, मगर जब बारिश और तेज हो गई तब उस पेड़ ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। तभी राहुल बोला, यार यहाँ तो हम भीग रहे हैं, अब क्या करें? मैं दिमाग पर जोर डालने लगा ताकि कोई ऐसी जगह याद आ जाए जहाँ हम इस बारिश में भींगने से बच सकें,
तभी मुझे याद आया कि पास ही में जंगल के थोड़ा अंदर एक पुराना मंदिर है। हालांकि वो मंदिर किसी भगवान का नहीं है, मगर फिर भी गांव के लोग उसे मंदिर ही बोलते हैं। मैंने सोचा अगर किसी तरह से हम लोग वहां पहुंच जाएं, तो इस बरसात से निजात मिल जाएगा। मैंने सारी बात राहुल को बताई और हम लोग जंगल में घुसकर उस पुराने मंदिर की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में वो मंदिर हमारी आंखों के सामने था। मंदिर की दीवारों में दरार पड़ चुके थे, कुछ जगहों से प्लास्टर छूट गया था। खैर हमें क्या, हमें तो सिर्फ इस बरसात से बचना था। लिहाजा मैं और राहुल हम दोनों दौड़कर उस मंदिर में घुस गए। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, यहाँ तक कि मैं अपने बगल में खड़े राहुल तक को भी देख नहीं पा रहा था। इतने में ही राहुल बोला, सुनना, मेरे बैग के सबसे ऊपर वाले चेन में टॉर्च होगा, निकाल तो। मैंने अंदाजे से ही राहुल के पीछे जाकर उसका बैग पकड़ा और सबसे ऊपर वाले चेन को खोलकर टॉर्च निकाल कर जलाया। मंदिर बाहर से जितना टूटा फूटा और पुराना था, अंदर से भी वैसा ही था। मंदिर के अंदर जहां भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, वहां पर एक अजीब सी मूर्ति थी। मूर्ति के माथे पर दो सींग थे। खैर हम दोनों थोड़ी धूल साफ करके एक जगह पर बैठ गए। राहुल ने हाथ घड़ी में टॉर्च मारकर देखा तो रात के 10 बज रहे थे। बारिश अभी भी तेजी से बरसे जा रही थी। राहुल ने टॉर्च ऑफ किया और बोला, यार मैं जरा सोने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बारिश छूट जाए तो मुझे उठा देना। इतना बोलकर राहुल वहीं पसर गया। बाहर से एक हल्की सी धुंधली रोशनी मंदिर के अंदर आ रही थी, मगर वो रोशनी बहुत हल्की और धीमी थी। परेशान होकर अभी मैं बारिश के थमने का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी बाहर से आती उस धुंधली सी रोशनी में मुझे मंदिर के अंदर कोई आता हुआ दिखा, कोई बच्चा। मैंने उस परछाई को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर पता नहीं वो मेरी आंखों से कहीं ओझल हो गया। मैंने सोचा शायद मैंने गलत देखा होगा, भला इस जंगल में कोई बच्चा कहाँ से आएगा, वो भी इस टूटे फूटे मंदिर में। कुछ देर तक तो मैं बड़े आराम से जागा रहा, मगर धीरे धीरे मेरी पलकें बंद होने लगीं और कुछ ही देर में मैं नींद के आगोश में चला गया। ना जाने कितनी देर बाद मैं जागा, आंख खोलकर देखा तो मंदिर के दरवाजे के पास कोई खड़ा दिखा। मुझे लगा राहुल होगा, मगर राहुल वहां खड़े होकर क्या कर रहा है। यही सोचकर मैं अपनी जगह पर से उठा और राहुल के पास जाकर बोला, क्या हुआ राहुल, यहाँ क्या कर रहा है। मगर इस पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नज़र घुमाकर राहुल का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा बहुत घना था। राहुल से कोई जवाब ना पाकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ रे, क्या सोच रहा है। तभी राहुल बोला, अमन वहाँ किससे बात कर रहा है। राहुल की यह आवाज़ मेरे बगल से नहीं बल्कि मेरे पीछे से आई थी। इतने में ही पीछे से राहुल ने टॉर्च जलाया तो टॉर्च की रोशनी में मेरे बगल में खड़ा शख्स दिखा ही नहीं। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा कि थोड़ी देर पहले मेरे बगल में वो कौन था। मैं भागकर राहुल के पास आया। मेरे आते ही राहुल ने जैसे ही टॉर्च बंद किया तो दरवाजे पर फिर से कोई खड़ा दिखा, मगर इस बार वो शख्स अकेला नहीं था, उसके साथ कई बच्चे और औरतें भी थीं। ये सब देखकर डरने वाला मैं अकेला नहीं था, राहुल को भी वो लोग साफ दिख रहे थे। राहुल ने फिर टॉर्च जलाया मगर टॉर्च की रोशनी में वो लोग फिर से नहीं दिखे। लेकिन टॉर्च बंद करते ही सब लोग सामने खड़े थे। हम दोनों समझ गए
कि यहाँ रुकना मतलब मौत, लिहाजा हमने अपना सामान उठाया और दरवाजे की ओर भागने लगे। हमने टॉर्च ऑफ रखा था और दरवाजे पर वो सभी लोग खड़े थे। ऐसे में हमने जैसे ही भागने की कोशिश की तो उन लोगों से टकरा गए। तभी मैंने राहुल से बोला, राहुल टॉर्च जला। राहुल ने टॉर्च जलाया और उन सभी लोगों के गायब होते ही हम लोग जैसे तैसे वहां से भागे और घर पहुंचकर हमने सबको पूरी बात बता दी, जिस पर घर वालों ने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस मंदिर में एक बदमाश तांत्रिक शैतान की पूजा किया करता था और उसने लोगों को अपने जाल में फंसाकर कई बच्चों और कई लोगों की बलि दी है। ये सब करके वो तांत्रिक तो भाग गया, मगर उन लोगों की आत्मा आज भी शैतान के उस मंदिर में भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।